इतने समृद्ध प्रदेश का सीएम और किसानों को 10 रुपए क्विंटल का भाव दे रहे हैं, शर्म की बात है। सीएम साहब, अगर इतना ही खजाने में कमजोरी है, हमारा स्टेट इतना ही गरीब हो चुका है, तो आप एक दफा किसानों को आवाज देकर देखो, 10 रुपए क्विंटल किसान उल्टा खजाने में जमा करवा देंगे। ये मेरा वादा है आपसे, कोई मजाक कर रहे हो हमारे साथ? 10 रुपए का भाव कहाँ, 450 मांग रहे हैं, कहाँ 10 रुपए दे रहे हो? कितना चाहते हैं आप, कितना चाहते? 450 से कम 1 रुपए नहीं। बिल्कुल आंदोलन जारी रहेगा, अब तो और ज्यादा बढ़ चढ़ कर आंदोलन को और ज्यादा अब उग्र करेगा। जी हम ट्रैक्टर मार्च इसलिए कर रहे हैं ताकि गन्ने का रेट बच सका। काफी दिनों से धरना चल रहा है, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही, तो इसलिए ये इसलिए मार्च है ताकि सरकार के कानों पे जू पड़े और गन्ने का रेट बताया जाए। काफी 2-3 साल से इतनी बीमारी आ रही है गन्ने में, जिससे लागत भी पूरी नहीं हो रही है गन्ने की, तो सरकार से ही गुजारिश है किसानों की तरफ ध्यान देंगे और गन्ने का रेट बताया जाए। इसीलिए हम ताकि सरकार हमारी तरफ ध्यान दे, ये ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे करनाल शहर के अंदर। तो 10 रुपए की जानकारी मिल रही है कि सरकार ने बढ़ाया, क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, तो ये लगता कोई हमने पता नहीं लगा कितने रुपये बढ़े हैं। जैसे भी जो कुछ भी होएगा, मानेंगे या ना मानेंगे, जो बाहर एक बड़े किसान नेता है उनके ऊपर डिपेंड है। गन्ने के बहुत नुकसान हो रहा है, कटर रेट नहीं बढ़ा रहा है, किसान दिन पर दिन घाटे में जा रहे हैं, किसान दिन प्रतिदिन घाटे में जा रहे हैं, लागत ज़्यादा हो रही है और खट्टर को थोड़ी भी जून ही सुला रही है कि भाई किसानों को कितना नुकसान हो रहा है। इसलिए आज सभी किसान भाई अपने ट्रैक्टर लेके पूरे शहर में, तो 10 रुपए की जानकारी मिल रही है बढ़ाया हरियाणा सरकार ने? नहीं भाई साहब, 10 रुपए में क्या होगा, कम से कम 450 रुपये रेट बढ़ना चाहिए, इससे तो 380 रुपये तो लागत ही आ रही है, 10 रुपए में क्या होगा? ये तो फिर मजाक वाला काम कर दिया किसानों के साथ, ही तो मजाक कर रहे हैं कटर, और अपने भी तो पत्ते बता रहे हैं, ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं आज पूरे शहर में, ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। बताना चाहेंगे सरकार को, चेताने के लिए हमारे गुरनाम सिंह जी ने फैसला लिया था भाई 25 तारीख को सभी जहाँ पे भी मील है वहाँ पे उन शहरों में सभी में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, तो उसी की तैयारी है, आज करनाल में भी निकाला जाएगा जी। 10 रुपये सर जानकारी मिल रही है बढ़ाए, क्या कुछ चाहिए? बेशरम सरकार है जी, शर्म तो आंदी नहीं ना, 10 रुपये बढ़ाए। इनकी कार का, गृह मंत्री अनिल विज की कार का एक सोकर हो गया था थोड़ा खराब, इन्होंने वह कार ही बदल दी, मतलब एक 20 लाख रुपए कार में दे उसकी जगह 1 करोड़ की कार ले आए, और जमींदार को 10 रुपये दे के उनकी बेइज्जती करना चाह रहे हैं। ये कोई जमींदार 10 रुपये का भूखा थोड़ी है, 10 रुपये दे हमारे से ले लो, हम दे देंगे इनको, तो इनको शर्म आनी चाहिए भाई। कम से कम जमीन इन्होंने जहाँ से भी लोगों ने मांगा था भैया, हरियाणा का आज तक सबसे ऊपर रेट रहा है, तो हरियाणा का सबसे ऊपर ही रेट रहना चाहिए, पर ना बेशरम सरकार है, पिटेगी तब मानेगी, इतना नहीं मानेगी। एक बात और कहना चाहूँगा, जो रैली है ना अमित शाह की, ये सोचते हैं भाई हम सक्सेसफुल कर लेंगे, 10 रुपये का रेट देंगे, बिल्कुल नहीं है, उसमें हमारे जमींदार सबसे ज़्यादा जाएंगे वहाँ पे, अल्लाह प्रदर्शन करेंगे, रैली नहीं होने देंगे इनकी।